हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है। आज की जो यह संडे वार्ता है, संडे वार्ता 21st संडे वार्ता हमारी होने वाली है। आज की संडे वार्ता में जो है हम आपके द्वारा जो बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन के जो है आंसर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था कि कमीशन कब तक होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जो ज्यादा बार जो है पूछे गए हैं उसके हमने जो है लिस्ट बना ली है और उनके जो है आंसर हम आज की संडे वार्ता में देने वाले हैं। आइए तो वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी जो है टीजीटी कमीशन के लिए कैसी चली है? आई होप वो भी बहुत अच्छी चली होगी। और आप जो है जो हमारे चैनल के द्वारा, पॉजिटिव अप्रोच के द्वारा, टेलीग्राम चैनल के द्वारा जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है तो आप जो है डेली उसको पढ़ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी होती है तो आप जो है हमें बेझिझक बता सकते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर जो है हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। आइए तो क्वेश्चन आंसर की जो है शुरुआत करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने लिख लिए हैं एक पेज के ऊपर, तो वन बाय वन जो है मैं इनके आपको आंसर देता जाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन था कि कमीशन का एग्जाम क्या हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कंडक्ट करवाता है, ये कब क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, एचपी बोस जो है केवल टेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जी हाँ, टेट का ही एग्जाम एचपी बोस कंडक्ट करवाता है। टीजीटी का जो एग्जाम होता है वो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाता है, और जो पीजीटी का एग्जाम होता है वो शिमला बोर्ड के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाता है। तो आई होप जिसने भी यह क्वेश्चन पूछा था उनको जो है इस चीज का आंसर मिल गया होगा, और जिनके माइंड में यह क्वेश्चन होगा उनको भी आंसर मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, कमीशन की नोटिफिकेशन कब तक आएगी। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है कि कमीशन की नोटिफिकेशन कब तक आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कब एग्जाम निकालेंगे, कब एग्जाम नहीं निकालेंगे। हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे हिसाब से जो है मार्च तक जो है इसकी नोटिफिकेशन और अप्रैल तक जो इसका एग्जाम हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं तो इलेक्शन से पहले जो है ये हर एक कार्य कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम जो है निकल रहे हैं, भिन्न भिन्न जगह जो है बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कमीशन की नोटिफिकेशन में भी फरवरी तक आ जाए, क्योंकि एग्जाम जो है, क्योंकि उसके बाद एग्जाम भी कंडक्ट करवाना होता है, उसके लिए काफी टाइम लग जाता है। तो हमारे हिसाब से मार्च अप्रैल में जो है एग्जाम कमीशन का हो जाना चाहिए, क्योंकि पीजीटी की भी जो है जो रोस्टर था वो जारी हो चुका है कि किस कैटेगरी की कितनी सीट्स आई है, और वो अब अपडेट हुई है। पहले सीट्स और थे, अब जो है सीट्स अपडेट हुई है। अगर अभी तक वो सीट्स आपने नहीं देखी तो टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर ले, वहां पर जो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम मेडिकल का कंटेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं टीजीटी या टेट के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेडिकल के लिए जो है पर्सनली तो ऐसा कोई सेपरेट से, जैसे नॉन मेडिकल के लिए तो हमारी पूरी की पूरी सीरीज चली है, वैसा मेडिकल के लिए कोई सीरीज नहीं चली है। लेकिन हाँ, मेडिकल के लिए आप जो है हमारे चैनल से क्या लाभ उठा सकते हैं, नंबर वन जीके, ठीक है, नंबर दो साइकोलॉजी, और टेट के लिए केमिस्ट्री भी जो है हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल का कंटेंट है जो हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, लेकिन सेपरेट से जैसे बायो हो गया उस कंटेंट को हम प्रोवाइड नहीं करवाते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत के स्टूडेंट्स के मन में होता है कि टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबको पता है कि फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद होते हैं आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, यानी सेकंड ईयर में, ठीक है, तो तब आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपको कोई भी जो है भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जब सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट हो चुका, निकल चुका होगा, उसके बाद वाला टेट जो आप दोगे वो आप एलिजिबल होंगे। आई होप ये चीज आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
फिर से बता देता हूं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का मतलब है सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद आप जो है टेट का एग्जाम देंगे, तब जो है आपको इलिजिबल माना जाएगा। तो आई होप यहां तक जितने भी क्वेश्चन थे आपके वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे कंटेंट की पीडीएफ कैसे मिलेंगी, यह भी मैंने आपको अपनी, वैसे तो वेरियस हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमारे कंटेंट की पीडीएफ आप कैसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप आईडी पे जो है मैसेज करना पड़ेगा, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वहां पर आप हमें मैसेज भेजिए कि हमें जो है ये वाली पीडीएफ चाहिए या प्लस वन फिजिक्स कंप्लीट चाहिए, और जब कोई और क्वेरी होती है वो आपको वहां पर बता दी जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पे के माध्यम से आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद आपके नंबर के ऊपर जो है आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, बिल्कुल आसान है। तो फिर से बता देता हूं, अगर किसी को पीडीएफ परचेज करनी है, हमारी व्हाट्सएप आईडी पे जाएं, मैसेज करें कि हमें ये पीडीएफ चाहिए, उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा या यूपीआई आईडी दी जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर जो आपको गूगल पे से, फोन पे से, किसी भी माध्यम से पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कोई और क्वेरी होती है आप क्वेरी भी वहां पर पूछ सकते हैं अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ्स प्रीवियस ईयर की वीडियो बीच में मिसिंग है, ये क्वेश्चन भी जो है काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था, जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट जो है मेरी प्रीवियस ईयर की जो लिस्ट मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको देखते हैं, ठीक है, वहां पर हर एक सब्जेक्ट की लिस्ट बनी है, वहां पर एक लिस्ट बनी है प्रीवियस ईयर टीजीटी नॉन मेडिकल मैथ्स, यानी मैथ्स के सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की, जहां पर मैंने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व किया है, लेकिन उसके ऊपर जो है नंबरिंग अलग अलग है, वो आपको बता दूं क्यों है। जो प्रीवियस ईयर है वो हमने टॉपिक वाइज सॉल्व किया है, ठीक है, तो उसकी जो सीरीज थी वो जो मैथमेटिक्स की सीरीज थी वो वाली सीरीज उसमें चलाई है, तो प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से बनाई थी ताकि आपको डायरेक्ट भी सहूलियत मिल जाए, क्या अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर देखना है ऐसे तो आपको मेरी मैथ की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां 100+ वीडियो है तो आपको ढूंढने में कठिनाई होगी, इसलिए मैंने सेपरेट से लिस्ट बना दी थी उसकी, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से मिल जाए, इसलिए वो नंबर वहां पर मिसिंग है क्योंकि वो वीडियो जो है मैथ सीरीज की है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर था इसलिए मैंने अलग से सीरीज बना दी थी, तब करके जो है वो नंबर वहां से मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं, तब तक मेरे प्यार दोस्तों आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी जो है टीजीटी कमीशन की तैयारी कैसी चली है, जो अभ्यर्थी जो है जो स्टूडेंट्स टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी बता दें कि उनकी टेट की तैयारी कैसे चली है। हाँ, टेट की सीरीज भी हम अभी लेकर आने वाले हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे लिए इजी रहेगा, तभी जो है टीजीटी का कमीशन हम क्लियर कर सकते हैं। तैयारी किसको करनी है, तैयारी तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ही को करनी पड़ेगी, हम जो है डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स की वीडियो आपको मिल जाती है, और जीके की पीडीएफ डेली जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको जो है अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अब ये अबाउट सेक्शन कहाँ होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है पता नहीं चलता है। सबसे पहले हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई और लिंक चाहिए, आपने देखा होगा जब चैनल आप खोलते हैं सबसे ऊपर कॉलम बने होते हैं वीडियो, कम्युनिटी टैब, प्लेलिस्ट, वहां पर सबसे एंड में जो है हमारा एक लिंक होता है अबाउट सेक्शन का, वहां पर जाइए, हर एक चीज का लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। व्हाट्सएप का लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करें व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करें टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, तो वहां पर जाकर जो है आप हमारे हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट को जो है एक्सेस कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी होती है वहां पर हमसे पूछ सकते हो। तो एक नंबर वन आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है क्योंकि वहां पर हर एक नोटिफिकेशन पीडीएफ मिलती है, और दूसरा अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, तभी डेली आपको जो है इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर किसी ने खरीदने हो तो वह कहां से लें, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत पहले एक संडे वार्ता हुई थी उसमें भी बताया था, मैं आपको बता दूं हर एक बुक स्टोर पर, किसी भी बुक स्टोर पर जाइए, एचजी पब्लिकेशन की एक बुक है, मैं नॉन मेडिकल के लिए बता रहा हूं, एचजी पब्लिकेशन की बुक है जहां पर
1991 ऑनवर्ड जितने भी कमीशन हुए हैं वो सारे सॉल्वड हैं उसमें अभी तक, ठीक है। वो बुक बहुत हेल्प करेगी आपको। वैसे तो अपने चैनल पे भी अपलोड करता हूँ सॉल्व करके, लेकिन फिर भी अगर किसी को परचेज करनी है किसी भी बुक स्टोर पे जाइए, HG पब्लिकेशन, फिर से दोहराता हूँ, HG पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसको परचेज करिए, काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं करते, हमें आइडिया नहीं लगता कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलते हैं। तो ये तो पता लग गया। अब दूसरा क्वेश्चन, मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया है कि सर आप कहां से हैं, तो मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है मैं बिलोंग करता हूं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत स्टूडेंट्स पूछा था कि TGT प्रैक्टिस के लिए मैथ्स की कौन सी बुक पढ़े प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको बता दूं ये बुक उनके लिए है जो NCERT की बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने जो है बेसिक क्लियर कर लिया है और उसके बाद जो है उन्हें और प्रैक्टिस करनी है। मेरी वीडियो पे तो क्वेश्चन मिलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको बता दूं मॉडर्न की बुक जो है मॉडर्न ABC मैथ्स +1 +2 की बुक जो है बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है उसमें दिए गए हैं। वैसे तो अपने चैनल पे भी जो है मैं मॉडर्न की बुक से आपको क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन उससे बहुत सारे क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर सकते एक वीडियो में, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मॉडर्न की बुक जो है आप अच्छे से परचेज कर सकते हैं, अच्छी बुक है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे, आई होप आपको जो है इसकी जानकारी मिल गई होगी। तो आज की संडे वार्ता में बस इतना ही, और इसी तरह जो है अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखें। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, 12 बजे मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड होती है, 2 बजे फिजिक्स की वीडियो अपलोड होती है, GK जो है प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, और डेली का GK जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाता है। बहुत जल्दी TGT का एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा, इतना सियोरिटी है, 3 से 4 महीने के अंदर टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। तो जितना हो सकता है तैयारी के लिए चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। कंटेंट चाहिए, PDF चाहिए, तो उसके लिए आप जो है हमें हमारे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।